पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पूर्णिया के सम्मान में आपका पप्पू मैदान में, अहंकार टूटेगा और पूर्णिया जीतेगा। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है, जबकि पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। आज पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू यादव मैदान में, यानी पूर्णिया सीट पर अब आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव आमने सामने होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी पोस्ट किया, हालांकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें कहा गया था कि वो नाम वापस ले लें, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता को निर्दलीय लड़ने की इजाज़त नहीं है। तमाम तरह के बयान सामने आए, जिसके बाद आज पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू यादव मैदान में, अहंकार टूटेगा, पूर्णिया जीतेगा। तो देखिए, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है इंडे गठबंधन में, जब सीटों का बंटवारा हुआ बिहार में, तो जो पूर्णिया की सीट है वो आ गई आरजेडी के खाते में, और वहां से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, बीमा भारती ने नामांकन भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार ये कहते भी आ रहे थे कि पूर्णिया सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चूंकि वो सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले वो अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेते हुए दिखे, और फिर प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन दाखिल किया। और सीधा पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। नमस्कार पप्पू यादव जी, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, अहंकार टूटेगा पूर्णिया जीतेगा, ये किसकी अहंकार की बात हो रही है यहाँ पर? इन लोगों की, पैसे वाले नेताओं की, ये जो जात पात करने वाले लोग हैं, जो अहंकार में जीते हैं, जनता को कुछ समझते नहीं है, ना कोरोना में समझे, ना बाढ़ में समझे, ना कभी जनता की बात होती है, बस हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जाति पाति, गठबंधन कर लो, कभी लात मारो, कभी पैर पकड़ो, कभी गधे को बाप कह दो, कभी बाप को गधे कह दो, यही तो प्रवृत्ति है इन लोगों की सबसे बुरी। कब अब अंतिम में आप वो सिर्फ दे देंगे किसी को लाके तीन को, हमको तो समझ में नहीं आता, जिस पर किसी की तैयारी नहीं, इसी तो आप जो मन आएगा सो कर देंगे। ये जो मोनोपाली दिल्ली पटना वाले में बैठे रहते हैं और बैठ कर के एक भी अच्छा काम जनता के हित में नहीं करते, नोटबंदी है, जीएसटी है, ब्याज मनी है, कोरोना है, आप किसी चीज को खा के लिखी देखिए, तो उसमें कहीं से भी किले नहीं आते। पप्पू यादव जी, आज दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि नाम वापस ले लीजिए, चूंकि आप अगर कांग्रेस के नेता हैं तो निर्दलीय लड़ने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आज सबकी निगाहें पप्पू यादव पर हैं, लेकिन आपने ये साफ कर दिया है कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैं पीछे वाली जनता, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, और भगवान और भक्त का क्या रिश्ता है आप भी जानते हैं, भगवान और भक्त का रिश्ता समर्पण का है, इसीलिए जो विश्वास, जो ट्रस्ट, हम तो क्या आप हमको बताएं, मधेपुरा और सुपौल हमको काट रहा था क्या? हमको मधेपुरा सुपौल में क्या लग रहा था? आज भी मधेपुरा सुपौल में कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट मधेपुरा सुपौल में नहीं है, आज तक वो रोके हुए हैं, कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है कि पप्पू यादव ले आ जाए किसी भी कीमत पर। तो पप्पू यादव, आप दो सीट मात्र ये लोग, जय प्रसाद जी और एक जमुई, ये कहते हैं इसको क्या, गया को छोड़ दीजिए, सारा सीट ये लोग बाहर से ला करके चुनाव लड़ा रहे हैं, सारा सीट। अब पूर्णिया पर ऐसा इसको क्या दिक्कत हुई? इसलिए इस बात को समझिए, आप तो दो सीट की बात कर रहे हैं ना, पांडव तो 500 गांव मांगा था, हम तो एक भी गांव नहीं मांगे, एक पूर्णिया मांगे, तो पांडव
पांच गो मांगा, हम एक गो मांगे, तो इसमें भी दस, एक गो में भी। अच्छा पप्पू जी, आज बीमा भारती मीडिया से बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अगर कहते हैं कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं तो मैं भी पूर्णिया की बहू बेटी हूं, और अगर अति पिछड़े को, गरीब महिला को टिकट दिया गया है तो इसमें परेशानी क्यों हो रही है? हमको तो समझ में नहीं आता है, ये इन लोगों की मैं उन पर नहीं, वो मेरी बेटी के तरह है, मैं उससे कोई संबंध नहीं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये पूर्णिया, चार बार हम सांसद बने पूर्णिया में, 20 सालों से हम नहीं थे, 20 सालों से हम नहीं थे, तो 20 साल से क्यों नहीं लड़ गए सब लोग, क्यों नहीं लड़ा दिया लालू यादव? जो बात आप कह रहे हैं लड़ा देता, हम 20 साल से बाहर थे। आज आप बार बार आप हमको कह रहे हैं कि मधेपुरा और सुपौल ले लीजिए आप। अच्छा दूसरी बात, आप दूसरे पार्टी से लाला करके आप शिक्षार्थी बनाने जा रहे पूरे देश में। कल आप 20 करोड़ रुपया वाले को लाए, आपने आपने बना दिया क्या कहते हैं वहां का बेतिया के बगल का भगा का कर लीजिए दीपक यादव को, भैया आपको पता शो आप करते हैं क्या है भाई? आप हमको जरा बता दीजिए, आपको पप्पू यादव एक साल से यहाँ काम कर रहा था, कुछ भी बोल दीजिएगा, किसी पर बोल दीजिएगा, यहाँ लड़ाई कौन लड़ रहा था, बताया कौन इन लोगों को? आप सभा से पूछे ना, जाइए गंगोत्री सभा से पूछिए कि कौन बताया था इन लोगों को। बिल्कुल, तो यानी कि पप्पू जी अब तो स्थिति साफ हो गई है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से लड़ रहे हैं, वहीं अगर हम आप इसको समझिए पूर्णिया एक इतिहास लिखेगा जात पात के पूर्णिया एक इतिहास लिखेगा जात पात के। जी न्यूज में रहे, जी न्यूज के दर्शक आप एंकर महोदया को कहेंगे कि आप भी, आपके दिल में भी मेरा जगह है, पूरे देश के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया, पूर्णिया को पूरी दुनिया, ये गौरव का विषय है। और मैंने पहले कहा ये तो आप तो, हम तो जिंदगी देने को तैयार है, अब कितना आप कितने अब विद्रावल। ठीक है पप्पू जी, चाहे हम प्रणाम पूर्णिया यात्रा की बात करें या आपकी तमाम कोशिशों की बात करें, आप अक्सर पूर्णिया में नजर भी आते रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में खटक रहा है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? आपको नहीं लगता कि आपके साथ गलत किया जा रहा है? आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया लेकिन आपके नामांकन के दौरान कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नजर नहीं आया। अच्छा आप एक बात बताइए, जब यह कह दिया जाए कि पप्पू या लालू, जब सीधा कह दिया जाए कि किसी कीमत पर गठबंधन नहीं रहेगा यदि पप्पू यादव का नाम होगा, और एक सीट को लेकर के जब कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई, और आज तक हमने लालू जी से मिलकर कहा कि हम मधेपुरा नहीं लड़ेंगे, सुपौल नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं है पसंद पूर्णिया, हमने 8 महीना घर घर हम गए हैं, जब सारी बात लालू यादव से हो गई, आप हमको बताइए कि लालू यादव आज तक जो पाटलिपुत्रा में लालू यादव की मदद क्यों हार गए, लालू यादव पप्पू यादव क्यों जीता, मैडम रंजीत रंजन क्यों जीती, अररिया में क्यों कब चुनाव नहीं जीते, अक्सर एक बार जीते, पूर्णिया में एलजेपी किया तो 20,000 वोट लाए, एक खाली जी को वोट दिया 6,000 वोट लाए, एक बार अपने अगर था को वोट दिया तो 33,000 वोट लाए, इन्होंने तो कर लिया पूरे बिहार में। अभी ये इंसान की बात, सभी जनता से ऊपर उठते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान से भगवत से आम आदमी की बात कौन करेगा? ठीक है पप्पू जी, क्या करे भाई, कांग्रेस को दबा दिया गया,
चलिए ठीक है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पप्पू यादव के अंदर किस तरह की फीलिंग है अभी। बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो नाम वापसी का कोई यहां पर चांस ही नहीं बनता है। उन्होंने लिखा है कि अहंकार टूटेगा और पूर्णिया जीतेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी बिहार झारखंड।